हेलो फ्रेंड्स, लोटस आयुर्वेद इंडिया के प्रेगनेंसी केयर में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको मैं बताने जा रहा हूँ डिलीवरी के बाद कौन से तेल से मालिश करें। इस जानकारी को बताने से पहले ये मैं आपको बता दूं, आपने हमारे YouTube चैनल लोटस आयुर्वेद इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से आपके प्रेगनेंसी से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आते हैं जिसे आप अपनाकर आप और आपका बच्चा स्वस्थ रह सकते हैं। शिशु जन्म के बाद माँ की मालिश किस तेल से करें व क्यों? शिशु जन्म के बाद शरीर कमजोर व थक जाता है, पर इस कमजोरी और थकान का असर आपके शिशु की परवरिश पर नहीं पड़ना चाहिए। आइए जानते हैं वे कौन से तेल हैं जिनसे मालिश करने पर आप बेबी डिलीवरी वाली कमजोरी से उबर जाएंगी और आपको इनसे क्या फायदे होंगे। बादाम का तेल आपकी मांसपेशियों को राहत देता है, जो शिशु जन्म के बाद बेहद जरूरी है। यह स्ट्रेच मार्क्स को कम करने में बहुत लाभदायक है। यह त्वचा में समाकर त्वचा को पोषण देता है। जैतून का तेल गुणों का भंडार है। यह त्वचा में समाकर आपको ऊर्जा देता है। शिशु जन्म के बाद शरीर में हो रही अकड़न से भी राहत देता है। सरसों का तेल आपको गर्माहट देगा, जिससे आपके जोड़ मजबूत होंगे व आपकी रिकवरी प्रोसेस में तेजी होगी। यदि इसमें लहसुन को मिलाकर गर्म करें व फिर इससे मालिश करें तो यह ज्यादा फायदेमंद होता है, पर गर्मी के मौसम में लहसुन ना मिलाएं। तिल का तेल भी मालिश करने के लिए बेहतरीन विकल्प है। बेबी डिलीवरी के बाद तनाव से राहत पाने के लिए यह बेहद फायदेमंद है। आपके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा तेल यदि शिशु को पसंद नहीं आ रहा है, यदि शिशु उस तेल की खुशबू से चिड़चिड़ा हो रहा है तो उस तेल का प्रयोग बंद कर दें। अपने बालों में अच्छे से बादाम या सरसों तेल से मालिश करवाएं। इसके दूरगामी फायदे आपको बाद में महसूस होंगे। शरीर को मजबूत बनाने व भविष्य में आने वाली कमजोरी से बचने के लिए अच्छी मालिश होना बेहद जरूरी है। कम से कम 4 माह तक मालिश करवाएं व इसके फायदे महसूस करें। तो ये थे फ्रेंड्स, डिलीवरी के बाद कौन से तेल से मालिश करें। फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी से संबंधित कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से आपके लिए प्रेगनेंसी से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आएंगे जिसे आप अपनाकर आप और आपका बच्चा स्वस्थ रह सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।